एक बार की बात है, एक नौजवान लड़का था जिसका नाम रंजीत था। वह एक गांव में रहता था और हर रात बुरे सपने देखता था। एक रात वह सपने में एक खूबसूरत औरत को देखता और एक रात बहुत ही भयानक और डरावनी औरत को। रंजीत को डर तो लगता था पर वह बहुत साहसी था। रंजीत ने एक दिन सपने में देखा कि उस औरत की कुछ लोग इज्जत लूट रहे हैं और फिर अचानक रंजीत की नींद खुल गई। रंजीत को थोड़ा डर भी लग रहा था। वह नहीं जानता था कि वह ऐसे सपने क्यों देख रहा है और उसका इन सपनों से क्या संबंध है। अगली ही रात वह फिर से सपना देखता है। इस बार रंजीत ने जो देखा उससे उसके होश उड़ चुके थे। अगले ही दिन उसका दोस्त उसके घर उससे मिलने आता है और रंजीत उसको सारी बात बता देता है। रंजीत का दोस्त एक महिला तांत्रिक को जानता था। उसका दोस्त उसे उस महिला तांत्रिक के पास ले गया। महिला तांत्रिक रंजीत की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। वह एक ताबीज बनाती है और उसे रंजीत को देती है और कहती है, पास के गांव में एक पुरानी हवेली है। कहा जाता है उस हवेली में एक प्रेतनी रहती है। उस प्रेतनी की कहानी सुनकर गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं। वही प्रेतनी तुम्हें बुला रही है। तुम उस हवेली में जाओ, तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें वहीं मिलेंगे। और ध्यान रहे, यह ताबीज किसी भी हाल में तुम्हारे शरीर से अलग नहीं होना चाहिए। महिला तांत्रिक के कहने पर उस हवेली में रंजीत जाता है। रंजीत साहसी था और उसे किसी भी हालत में अपनी समस्या का हल ढूंढना था। वह उस हवेली में गया ताकि वह जान सके कि उसे ऐसे सपने क्यों आते हैं। रंजीत ने हवेली में जाने के बाद कुछ अजीब अजीब घटनाएं देखी। एक रात उसे हवेली की सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई दी। रंजीत ने उसे आवाज दी लेकिन वह महिला रुकी नहीं। वह हवेली से बाहर निकल गई और गायब हो गई। दूसरे दिन रंजीत को हवेली के बगीचे में एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। रंजीत ने बगीचे में देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। रंजीत को अब यकीन हो गया था कि हवेली में सच में एक प्रेतनी है। वह उस प्रेतनी से मिलने के लिए उत्सुक था। रात को रंजीत ने हवेली की छत पर जाकर प्रेतनी की तलाश शुरू की। वह बहुत देर तक इंतजार करता रहा लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। लेकिन फिर अचानक रंजीत को पीछे से एक आवाज सुनाई दी। आवाज ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? रंजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने सफेद साड़ी पहने बहुत खूबसूरत महिला को देखा। महिला ने कहा, यह मेरी हवेली है, मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ। रंजीत ने देखा, यह वही खूबसूरत महिला थी जो उसके सपनों में आती थी। रंजीत ने कहा, आप तो वही हो जो मेरे सपनों में आती हो। महिला ने कहा, हाँ मैं वही हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। रंजीत ने कहा, मेरी मदद? ऐसा कहकर सोचने लगा कि इस प्रेतनी को मेरी क्या मदद चाहिए। महिला ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ कैसे आई। महिला ने कहा, रंजीत मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारा फिर से जन्म हो चुका है और मैं सालों से प्रेतनी बनकर भटक रही हूँ। रंजीत ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब उस प्रेतनी ने कहा, यह हवेली हमारा घर था, तुम और मैं इस घर में बड़े प्रेम से रहते थे। एक दिन कुछ चोर हमारी हवेली में घुसे। हमने उन चोरों को चोरी करते हुए देख लिया और उनमें से एक चोर ने तुम्हारी हत्या कर दी और कीमती जीवरों के साथ मुझे भी उठाकर ले गए। जंगल में बारी बारी से उन चोरों ने मेरी इज्जत लूटी और मुझे मारकर वही जंगल में गाड़कर चले गए। तब से मैं इस जंगल में भटक रही हूँ। कुछ साल पहले उन चोरों से मैंने हमारी मौत का बदला पूरा कर लिया पर मुझे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली। आज भी मेरा शरीर उस जंगल में गड़ा है और मेरे शरीर का दाह संस्कार नहीं होने के कारण मुझे आज तक मुक्ति नहीं मिली। मेरे पति होने के नाते आपसे विनती है, मेरा शरीर जहाँ गड़ा है वहां से निकालकर मेरा दाह संस्कार करो ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। अब रंजीत सब कुछ समझ चुका था। उसने वही किया। उसने जंगल में जाकर जहाँ उसका शरीर गड़ा था वहां से निकालकर उसकी अस्थियों का दाह संस्कार किया। तब जाकर उस प्रेतनी को मुक्ति मिली और रंजीत को उन सपनों से। कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।